अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उस्मान जुल्फिकार है और ये वीडियो बनाने का मकसद आप सबको ये बताना है कि अलफता जो लाहौर और इस्लामाबाद का एक मारूफ और नामवर ग्रोसरी स्टोर डिपार्टमेंटल चेन है, वो अपने रैक्स पर खंजीर यानी हराम गोश्त बेच रहा है। रिसेंटली जब उनके कोरोना पॉजिटिव एम्प्लॉयज़ की हकीकत छुपाने की खबर मैंने सुनी, तो एक मुसलमान होने के नाते और एक इस्लामी शहरी होने के नाते मैंने अपना ये फ़र्ज समझा कि इनकी गैर जिम्मेदाराना और इस्लामी असूलों के मुनाफी बेहिस प्रैक्टिसेस को बेनकाब करूँ। दिसंबर में DHA वाई ब्लॉक की ब्रांच से मैंने एक पास्ता सॉस की बोतल खरीदी। मामूल के मुताबिक मैं घर गया, अपना खाना तैयार किया और खाया। पहला लुकमा लेते ही एक ऐसी खटास महसूस मुझे हुई जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन उल्टी आ गई। इनके जब मैंने इंग्रेडिएंट्स लेबल पढ़ा तो उसमें पोर्क यानी खंजीर का गोश्त भी शामिल था। अमेरिका में 14 साल गुजारने के बावजूद मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान में, जिधर खंजीर का गोश्त हराम है हमारे दीन के मुताबिक, मैंने खंजीर का गोश्त खाया। क्यों? क्योंकि मैंने अलफता जैसी नामवर ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट किया और लेबल नहीं पढ़ा। ये सॉस की बोतल है रघु मीट क्रिएशंस स्वीट इटालियन सॉसेज एंड चीज़। इसके अगर आप लेबल को, इंग्रेडिएंट लेबल को देखें तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है पोर्क यानी खंजीर, सुअर, हराम गोश्त। इसी को आपकी रिसीप्ट में शेयर करता हूँ। ये अलफता की इसी परचेस की रिसीट है, इस पर आप देखें सेम प्रोडक्ट रघु सॉस स्वीट इटालियन सॉसेज एंड चीज। इसके साथ में आपको, इसके बाद मैंने जाके ये सोचा कि अलफता जैसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कैसे कर सकती है, इतनी लापरवाही तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं स्टोर फिर गया और मैंने उसकी वीडियो बनाई, नीचे जाते हुए उनकी प्रोडक्ट लाइन लेते हुए और उनका साइन बोर्ड भी कैप्चर किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। Can't really see it over here, but I have pictures to support that this is pork, Italian sausage in a non-halal section at Al-Fatah and Y Block. I mean, at a halal section. My bad. Gonna go outside to show the signboard. Ye Lahore Y Block DHA ka Alfatah. As you can see, लाहौर की एक नहीं बल्कि गुलबर्ग से डिफेंस तक कई लोकल और मेन ब्रांचेस में मौजूद था, जिसके केसेस के केसेस अल्लाह जाने कितने लोग और मेरी तरह अनजाने में खंजीर हराम गोश्त खा चुके होंगे। एक मुसलमान होने के नाते मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि इस पर एक इनिशिएटिव लिया जाए और मैंने अलफता को एक लीगल नोटिस भिजवाया। उस लीगल नोटिस के जवाब मुझे ये आया कि ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खरीदो फरोख्त करने से पहले लेबल पढ़े। अगर कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबल पढ़ना है तो इतने बड़े बड़े स्टोर्स खोल के क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ खंजीर का गोश्त हराम है, आप अपने मासेस को ना बेचें। इस नोटिस के बाद मेरे घर आए इनके ऑपरेशंस हेड हेडक्वार्टर्स के जवाद तैयब साहब, जो अपना कार्ड भी छोड़ के गए। इन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की कि मैं अपना लीगल नोटिस वापस लूँ और मुझे साथ में ये भी धमकाया गया कि अगर ये प्रोसीडिंग्स आगे चलें तो मेरे भी डेफिमेशन की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, जो एक बहुत ही हैरान कन बात है कि बजाय इस बात का एतराफ़ किया जाए, ना ही तो सिर्फ इनकार किया जा रहा है बल्कि इस बात का सारा ओनस मेरे पर डाला जा रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अलफता जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आम आदमी के इस्लामी अखलाकों की और असूलों की धज्जियाँ उड़ाते जाएँ। ये एक छोटी बात नहीं है, अनजाने में लोग मेरी तरह और पता नहीं कितने और लोग हराम गोश्त खा चुके हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या खाया। मेरी आपसे ये एक मशवरा है
कि अगर इन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड कर सकती हैं इस तरह, तो आप अपने तौर पर मुसलमान होने के नाते लेबल्स पढ़ें, जाने कि इनकी इंग्रेडिएंट्स में क्या है, नहीं तो आप भी मेरी तरह और कई औरों की तरह हराम गोश्त और न जाने और क्या खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।